टॉपिक है हमारा वेरिएबल। अब वेरिएबल हमें मालूम है कि हमारे पास डेटा मेंबर होते हैं, मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करके रखते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए जब तक प्रोग्राम चल रहा होता है। लेकिन वेरिएबल की कुछ टाइप्स भी हैं, ठीक है। अब वेरिएबल सबको पता है मेमोरी लोकेशन होती है। वेरिएबल की तीन किस्म की टाइप्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर। एक है लोकल वेरिएबल, एक है फॉर्मल पैरामीटर और एक है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल से मुराद ऑटोमेटिक वेरिएबल भी होता है, ठीक है। और ये जो वेरिएबल है ये हमारे पास हर लोकल एरिया में अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सी लैंग्वेज के अंदर चलते हैं और हम वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं यही इसी प्रोग्राम के अंदर। देखो अगर मैं इस माई नेम के अंदर एक इंटीजर ए इक्वल टू 77 डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो ए है इसका एक्सेस सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर है, ये बाहर नहीं मिलेगा मुझे कहीं, ठीक है। ये जो फंक्शन है इसका जो ए है ये हमारा एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है। लोकल वेरिएबल यहाँ इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। इसी तरह मेन के अंदर जो ए और बी है, ठीक है, ये हमारे लोकल वेरिएबल है, ठीक है। नॉर्मली जो हम डिक्लेयर करते हैं करेक्टर सी एच इक्वल टू ए, अब ये क्या, ये एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है। आपने इस अब इसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो सकता है ये बी एल के एल के अंदर, ये इससे बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, ये वहीं पर एक्सेस होगा। द मोस्ट कॉमन कोड ब्लॉक इन विच द लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इज अ फंक्शन। आमतौर पर जहाँ हम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो फंक्शन ही होता है, ठीक है। एज द कीवर्ड ऑटो कैन बी यूज टू डिक्लेयर देम, आप ऑटो भी लगा सकते हैं इससे पहले। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा इंटीजर हमने बनाया है हम इससे पहले ऑटो का कीवर्ड भी लगा सकते हैं, इसीलिए इसको ऑटोमेटिक वेरिएबल भी कहते हैं और ये लोकल होते हैं, ठीक है। लोकल से मुराद इनका एक्सेस अपने स्कोप से बाहर नहीं होता, ठीक है। यहाँ है तो यही मिलेगा, इसके बाहर कहीं भी आपको ये ए नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो ये वाले की वैल्यू होगी, उस वाले की वैल्यू माई नेम वाले की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, समझ आया। तो इस तरह से जो है वेरिएबल हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं जो अपने ही स्कोप में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। अब इसमें एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। मैं भी इसकी एक एग्जाम्पल करूंगा अभी ताकि हमें थोड़ा समझ आए। अब लोकल वेरिएबल हमने यूज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल बताया तो इस तरह से कि भाई जो ए है, अब ए 77 है, मैं यहाँ पर कह दूँ ए बराबर है ए मल्टीप्लाई बाय 2 के, ठीक है, देखो यहाँ यूज हो रहा है। लेकिन अब ये फंक्शन के अंदर है माई नेम, ठीक है, माई नेम कॉल हुआ, माई नेम यहाँ आ गया, सही है, और माई नेम ने अफरान यूसुफ को प्रिंट कर दिया। उसके बाद देखो ये वाला जो ए है ये कौन सा है, ये इस वाले का है अपने इसी मेन के मेथड में, ठीक है। ये लोकल वेरिएबल इसका ये वो वाला नहीं है, वहां से एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है, वो वहीं इस्तेमाल होगा, ये यहीं इस्तेमाल अंदर अपने ही फंक्शन के अंदर, ठीक है, लोकल वेरिएबल है। दूसरा होता है फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर किसको कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को कहते हैं, जो हमारे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, ये फंक्शन के आगे सी एच और आई। तो देखो अब जैसे ये फंक्शन है स्क्वायर का, इसका एक पैरामीटर है आई। अब ये जो आई है ये इसके बाहर कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये इसी फंक्शन का हिस्सा है। इसी तरह इंटीजर ए और बी जो मैंने लिए हैं ऐड टू नंबर के, ये दोनों फॉर्मल पैरामीटर हैं, ये इसी बॉडी के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इससे बाहर कॉल हो ही नहीं सकते। अच्छा इसको फिर पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू बाहर से आती है। मतलब देखो ये जो ए है इसको कोई बाहर से वैल्यू नहीं दे सकता, ये यही वैल्यू असाइन हो रही है, यही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो मेरा आर्ग्यूमेंट होता है, जो फॉर्मल पैरामीटर होता है, इसको वैल्यू कहीं और से दी जाती है। अब जैसे स्क्वायर का मेथड है तो इसकी जो वैल्यू है आई की वो कहाँ, यहाँ पर दी जाएगी मेन के अंदर आके, ठीक है। अगर मैं एस क्यू आर को कॉल करूँ और मैं कह दूँ कि वैल्यू है 55, तो ये 55 देखो कहीं और से असाइन हुआ है, ठीक है, ये पैरामीटर है, यहाँ से असाइन हुआ है, पहुंचेगा कहाँ, यहाँ पर, फिर यहाँ अंदर इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो काम हमारा चल जाएगा, ठीक है भाई। द स्क्वायर ऑफ 55 इज 3025, ये हमारे पास प्रॉपर आउटपुट इस वाले फंक्शन का आ गया, ये कहलाते हैं फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। जो आर्ग्यूमेंट में लिखे होते हैं वो कहलाते हैं फॉर्मल पैरामीटर, ठीक। तीसरा जो टाइप है वो है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो है जो ऐसी जगह पर डिक्लेयर हुए हो जो कहीं भी कॉल हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे वेरिएबल्स जो डिक्लेयर हुए हुए हो ऐसे एरिया में जो इस्तेमाल हो सकते होंगे कहीं भी। फॉर एग्जाम्पल अब ये माई नेम है, ये स्क्वायर है, ये एट टू नंबर है, ये मेन का मेथड, ये सारे मेथड है, इनके अपने अपने फंक्शन है। मैं एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करूँ हर फंक्शन से बाहर, और इंटीजर फॉर एग्जाम्पल नम, अब ये जो मैंने नम डिक्लेयर किया ये कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, ये माई नेम के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, ये एस क्यू आर के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, ये एट टू नंबर के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, ये मेन के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ये बाहर मौजूद है।
अगर मैं यहाँ पर कहूँ num बराबर है 88 के, तो देखो यहाँ num इस्तेमाल हो गया, और फिर हम num को कहीं पास कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ भाई sqr निकालो num का, ठीक है, ये ऐसा फॉर्मल पैरामीटर भी पास हो गया, ठीक है, तो वो 88 आ गया, स्क्वायर ऑफ 88 इज 7744। तो ये जो num नाम का वेरिएबल है ये कहाँ डिक्लेयर हुआ है, ये डिक्लेयर हुआ है ग्लोबल एरिया पर, ठीक है, कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल माई नेम के अंदर अफनान के साथ, जो अफनान इशो प्रिंट हो रहा है, इसके साथ साथ मैं एक पर्सन डी लगा दूं और यहाँ कॉमा करके num को प्रिंट कर दूं, ठीक है, तो देखो num यहाँ पर तो ग्लोबल है, ठीक है, और माई नेम ने इसकी वैल्यू num इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 10 कर दिया, तो जब अफनान जहां जहां प्रिंट होगा वहां इसकी वैल्यू 10 होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर num को 88 बाद में दिया जा रहा है, ये भी देखना है गड़बड़ है, चलाते हैं प्रोग्राम, प्रोग्राम चला तो अफनान 10 आया, अफनान 10 आया क्योंकि num की वैल्यू 10 थी, और स्क्वायर ऑफ के अंदर 88 आया, क्यों कि जब यहाँ माई नेम कॉल हुआ तो उसकी वैल्यू 10 असाइन हुई माई नेम के अंदर, यहाँ कॉल हुआ यहाँ भी 10 असाइन हुई, फिर यहाँ पर num की वैल्यू 88 हुई, ठीक है, तो num 88 से यहाँ से आया। अगर मैं इस जगह पे माई नेम को कॉल कर दूँ, ये देखना है ग्लोबल वेरिएबल का नुकसान एक होता है सी लैंग्वेज के अंदर। अब यहाँ माई नेम को कॉल किया तो num की वैल्यू हमने 88 दी है, लेकिन उसके बाद क्या कॉल कर दिया, माई नेम, तो माई नेम में num की वैल्यू क्या है 10, तो अब जो स्क्वायर आना चाहिए वो किसके हिसाब से आना चाहिए, 10 के हिसाब से, स्क्वायर ऑफ 10 इज 100। समझ आई ये बात, किसी को अगर नहीं समझ आई तो पूछ ले कि देखो ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, माई नेम मैं यहां से हटा देते हैं, ठीक है, दोबारा कॉल नहीं कर रहे, एक ही बार कॉल करें। अब एक वेरिएबल है num जो कि ग्लोबल है, ठीक है, वो ग्लोबल एरिया में पड़ा हुआ है, ये यहाँ डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, तो माई नेम भी इसको वैल्यू दे रहा है 10 और वो 10 प्रिंट कर रहा है अपने साथ, और हम अंदर मेन के अंदर भी आगे 88 दे रहे हैं, लेकिन जब प्रोग्राम चलता है तो मेन से ही चलता है, प्रोग्राम चला उसने स्क्वायर प्रिंट किया, उसने ऐड टू नंबर किया, फलां फलां सारे काम कर दिए, फिर num को जो उसने वैल्यू दे दी वो क्या दे दी 88, तो num वाला जो मेमोरी लोकेशन है उस पर क्या चला गया 88 चला गया, 88 वहां स्टोर हो गया, दैट इज फाइन, लेकिन उसके बाद हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया, माई नेम, जब वो माई नेम के अंदर गया तो उसने वहां num को वैल्यू क्या दे दी 10, तो अब num वाली मेमोरी लोकेशन पे क्या चला गया 10 चला गया, अब जब वहां 10 चला गया तो जब हमने स्क्वायर निकाला num का तो अब num की वैल्यू 10 गई, तो स्क्वायर भी 10 के हिसाब से आया। समझ आ गई, ये ग्लोबल वेरिएबल का फायदा तो है कि भाई हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, और नुकसान भी यही है कि वो कहीं से भी कॉल हो सकता है, तो आपके कोड में, अब देखो ये कोई लॉजिकल एरर नहीं है, ये आपके कोड का सेंस वाली बात है कि आप कब क्या कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जाम्पल num को 88 दिया था और आप सोच रहे थे यहाँ पर 88 के हिसाब से आएगा, लेकिन क्योंकि आपने बीच में माई नेम कॉल कर दिया तो वहां पर 10 असाइन हो गया उसको, ठीक है, तो सेम मेमोरी लोकेशन है num की क्योंकि वो ग्लोबल एरिया में, ठीक है। इसके मुकाबले में जो a यहाँ डिक्लेयर हुआ हुआ है इसकी मेमोरी लोकेशन अलग है, और जो a यहाँ डिक्लेयर हुआ है फॉर्मल पैरामीटर में इसकी मेमोरी लोकेशन अलग है, और ये जो i यहाँ डिक्लेयर हुआ है इसकी मेमोरी लोकेशन अलग है, लेकिन ये जो num है क्योंकि ग्लोबल एरिया में, तो इसकी हमेशा मेमोरी लोकेशन एक ही रहेगी, ये चाहे किसी भी फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा हो तो उसी को रिप्लेस करेगा, ठीक है।